आज के टाइम में जहाँ पूरे भारत में लॉकडाउन है, दो से ज्यादा आदमियों का एक जगह इकट्ठा होना संभव नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोरोना जैसी महामारी से बचना है, तो ऐसी स्थिति में किसानों को फसल सुरक्षा संबंधी कुछ जानकारी देना अनिवार्य है, जिसके लिए व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से किसानों को जो इस समय पर वो काम कर सकते हैं, इस समय पर लगने वाले कीट एवं रोगों से फसल को कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। मैं कुशल भी मैनेजर के अनामिका सुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड मंडोरिया कुलन से। किसान भाइयों, फिलहाल वर्तमान में गन्ने के खेत में अर्ली शूट बोरर अंकुर बेदर कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसकी मुख्य पहचान है कि बीज से कल्ले का सूख जाना और यदि उसे आसानी से खींचते हैं तो बाहर निकल जाना, आसानी से खींचने पर बाहर निकल जाना और इसे सूंघने पर दुर्गंध आना, तो ये इसकी अर्ली शूट बोरर की मुख्य पहचान। इस कीट से फसल को बचाने के लिए किसी भी कीटनाशक दवाई का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्लोरोपाइरीफास 20 ईसी की 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ सिंचाई के साथ प्रयोग करें, कार्टा फाइटोक्लोराइड की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें, बाइफेंथ्रिन 10% 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से सिंचाई के साथ प्रयोग करने से अर्ली शूट बोरर का प्रकोप समाप्त हो जाता है। दूसरे इसी के साथ साथ एक कीट चोटी बेधक का प्रकोप भी चल रहा है, थोड़ा ये नजदीक में करना। इसकी मुख्य पहचान है कि इस कीट की सूंडी पत्ती में छेद करके उसको समाप्त कर देती है और उसकी बढ़वार रोक देती है, जिससे मदर सूट बिल्कुल समाप्त हो जाता है। बड़े गन्ने में इससे नीचे से सीड्स कलिकाएं फूटने लगती है और छोटे उसमें नीचे से कल्ला फूट के दोबारा फुटाव होके जब चलता है मदर सूट को बिल्कुल ये खत्म कर देती है। यदि हम दोनों ही कीटों को, अर्ली शूट बोरर को और चोटी बेधक को, एक ही दवाई से खत्म करना चाहे, एक ही दवाई से नियंत्रित करना चाहे, तो उसके लिए कोराजन जिसमें क्लोर एंट्री प्रोलिनिप्रो CTPRL जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी 150 मिलीलीटर मात्रा 18.5% क्लोर एंट्री प्रोलिनिप्रो की 150 मिलीलीटर मात्रा जो कोराजन नाम से आती है, उसको 400 लीटर पानी में घोल करके खेत में ड्रेंचिंग करें, जड़ के पास पास ड्रेंचिंग करें और तुरंत सिंचाई कर दे, तो इससे दोनों कीटों का प्रभावी नियंत्रण लंबे समय तक हो जाता है। इसके साथ गन्ने की एक बीमारी जो पोका बंग रोग है, जो जून के लास्ट में आता था, मौसम खराबी के कारण, अनसर्टेन बारिश होने के कारण, उमस या आर्द्रता और नमी बढ़ने के कारण ये रोग जल्दी पनप गया है। ये पोका बोइंग रोग के लक्षण है, जिसमें शीर्ष कलिका बिल्कुल गल कर टूट जाती है, ये शीर्ष कलिका बिल्कुल गल के टूट जाती है और पौधा की बढ़वा रुक जाती है, यहाँ से बढ़वा रुक जाती है, फिर ये दोबारा से बढ़वा लेता है। ये एक फफूंदी जनित बीमारी है जिसकी रोकथाम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2% घोल, यानी 100 लीटर पानी में 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाकर फसल पर स्प्रे करने से इस रोग का प्रकोप रुक जाता है। प्रारंभिक अवस्था में इस रोग के लक्षण इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे पत्ती में सिकुड़ापन, पत्ती में झिल्ली पड़ जाना, पत्ती में ऐठन ले जाना, और उसके बाद में इस रोग का प्रकोप इस तरह से दिखाई दे जाता है।
जिसे कोका बंद रोग कहते हैं। इसकी चार स्टेज होती है, क्लोरोटिक फेज वन, क्लोरोटिक फेज टू, टॉप रोड फेज और नाइफ कट फेज। तो इन चार स्टेज में प्राइमरी स्टेज में इसका नियंत्रण करना संभव हो जाता है। इसलिए किसान भाई समय रहते हुए ऊपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% घोल का स्प्रे करके कोका बेल रोग से फसल का बचाव कर सकते। नेक्स्ट, अगली बीमारी जो है वो आप इसको देख ही रहे हैं कि ये गन्ने की बढ़वार तेजी से होती है, गन्ना बारीक हो जाता है और गन्ने के शीर्ष भाग से एक विप निकलती है जिसके चारों तरफ काला चून चिपका रहता है और वो एक सिल्वर कलर की एक झिल्ली से ढका रहता है। जब वो झिल्ली फट जाती है तो ये पाउडर बिखर जाता है और आगे आने वाले समय में काफी रोग पैदा करता है। फिलहाल ये इस्मट रोग पेड़ी फसल में दिखाई दे रहा है। इस रोग का दवाई के द्वारा नियंत्रण करना संभव नहीं है, सबसे पहले इसका बचाव करना जरूरी है। जिन खेतों में इस तरह के कल्ले दिखाई दे रहे हो, जिसपे ऊपर काला चूर्ण निकल रहा हो, तो उसको पॉलीथीन या प्लास्टिक के कवर से ऊपर से कवर करें, उसको यहां से पकड़ ले और जमीन से उखाड़ करके बाहर जाकर खेत से दूर जाकर उसे नष्ट कर दे। ये सबसे पहला आपको प्रिकॉशन करना होगा, यानी रोगी करना बहुत जरूरी है। जहां ग्रसित कर ले हो वहां रोगी करना जरूरी है। वैसे रोकथाम करने के लिए बीज का उपचार करना, सही खेत से बीज लेना, जिस खेत में इस तरह की बीमारी लगी हो उससे बीज लेकर बुआई ना करें, यही इस रोग का बचाव किया जा सकता है। धन्यवाद।